नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जो कल जब वीडियो कर रहा था, मतलब आज जब इसका 3 बजे जब इसका रिलीज़ हुआ है, तो उस टाइम में एक बंदा ने हमको जस्ट मैसेज किया है जब लाइव चल रहा है वो। सर, ओनली 2% देख रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2% देखने दो, 2 का जगह पर बाद में 4 होगा, फिर उसके बाद बढ़ेगा, तो ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हमारा काम है, ये हम करेंगे, जिसको अच्छा लगेगा वो 100% देखेगा। तो हम ये आप लोगों को बोल सकते हैं, जैसे कि इतना सारा कमेंट जो हुआ है, सभी ने कुछ कुछ बोला है, जैसे कि इसका ये अच्छा लग रहा है, इसका वो अच्छा लग रहा है। तो इसमें हम थोड़ा सा एक और दो कंप्रेशर को लेके हम लोग साइड चेनिंग प्रोसेस में चला जाएंगे। तो देखिए, जैसे कि ये कमेंट किया है, लाइक एस एस एल लाइक किया है, वेब्स का भी लाइक किया है, और ये भी बोल रहा है कंप्रेसर आल्सो गुड, जैसे कि स्टॉक प्लगइन के अंदर जो ट्यूब कंप्रेसर है वो भी अच्छा है। चंचल ने किया है, एवरी स्टेटमेंट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल, ग्रेट, थैंक यू चंचल। उसके बाद सूर मल्लार जी, तो फर्स्ट वन एस एस एल जी मास्टर, ठीक है। एस एस एल जी मतलब आप लोगों को एस एस एल जी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो एस एस एल जी लेके ही काम करेंगे। और क्या क्या दिया है, फेवरेट कंप्रेसर एस एस एल जी ये भी दिया है, बहुत कुछ सीखा सीख रहा, थैंक यू जी। एस एस एल जी ए वी एस एस एल जी, तो ठीक है, चलिए एस एस एल जी को फाइनलाइज कर देते हैं। तो एस एस एल जी हम लोग जो देखा है, पर्टिकुलरली ये कंप्रेसर आप लोगों को अच्छा लगा है, तो ये कंप्रेसर वाकई बहुत अच्छा है, क्योंकि एस एस एल जी का जो कंप्रेसर है, सेम टाइप का कंप्रेसर आप लोगों को यूएडी में मिलेगा। मगर वो यूएडी लेने के लिए, हम एक ट्यूटोरियल दिया था शायद, यूएडी में और लेने के लिए आप लोगों को यूएडी का हार्डवेयर लेना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं होगा। चलिए, टाइम बर्बाद करते हैं नहीं, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, हमको ख़राब लग रहा है। तो इसका किक के लिए हम लोग रखते हैं, ओनली किक के लिए रखते हैं, बाकी कुछ नहीं रखेंगे हम लोग, थोड़ा सा हटा देते हैं इसको, बाद में करेंगे जब कंपेरिजन करेंगे, तब उस जगह पर हम लोग बाद में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो ओनली एस एस एल जी को रखते हैं, अभी हम लोग साइड चेनिंग थोड़ा सा सीखेंगे, और साइड चेनिंग का इफेक्ट इफेक्ट का थोड़ा मज़ा लेंगे, और ओनली एस एस एल जी कंप्रेसर को लगा के हम लोग किक में लगाएंगे, स्नेयर में स्नेयर लगाएंगे, सेम चीज़ हम लोग देंगे एस एस एल जी किधर गया, एक मिनट, इसको थोड़ा सा देख लेना पड़ेगा, जैसे कि पर्टिकुलरली एस एस एल जी कंप्रेशर, इसको हम लोग एक काम करते हैं, और भी एक टेक्निक बोल दे रहा है, किक का जो होगा इसको पहले मिक्सर में चला जाता है, ये है किक का, इसको राइट क्लिक करके कॉपी करते हैं और इसमें प्रेस पेस्ट कर देते हैं, इसमें भी पेस्ट कर देते हैं, होगी एस एस एल जी आ गया, इसमें भी सेम टाइप का चीज़ सिलेक्ट करके पेस्ट करेंगे, सेम टाइप का चीज़ सिलेक्ट करके पेस्ट करेंगे, और सेम टाइप का चीज़ शेकर का भी पेस्ट करेंगे। अभी इसका अलग अलग पार्ट में हम लोग ये करेंगे, जैसे कि किक में किक रखेंगे, एस एस एल जी के अंदर हम लोग किक दिया है, पर्टिकुलर किक हेवी चल रहा है, स्नेयर के अंदर हम लोग स्नेयर करेंगे, तो इसको थोड़ा सा स्नेयर में चला जाएंगे, इसमें हम लोग देख लेंगे कि इधर स्नेयर है, जैसे कि ये ड्रम का किक हेवी है, स्नेयर का भी इधर इसके अंदर मिलेगा शायद, अगर नहीं मिलेगा तो इसको चेंज करना पड़ेगा। किक का इसका अंदर थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें ओवरहेड है, ओवरहेड का अंदर ओवरहेड कर देते हैं पहले, उसके बाद हम लोग चेंज करते हैं, ये है ओवरहेड, इसको भी सोलो कर देते हैं, इसको ओवरहेड का अंदर ओवरहेड को डाल देते हैं। सिंपल तरीका, मतलब ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर कोई, मतलब क्या है, सीरीज़ में नहीं देख रहा है बोल के ऐसा हो रहा है, जब सीरीज़ में हम लोग देखेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई खड़बड़ी का बात नहीं है, धीरे धीरे से करो, बहुत अच्छा काम होगा। स्नेयर है कि नहीं है हम लोग देख लेते हैं, मास्टरिंग हो गया, पंच हो गया, इसका जैसे क्लासिक कंप्रेशर ये भी है, स्नेयर बोल के लिखा होना चाहिए तभी हम लोग इसको यूज़ करेंगे, बाकी जो है क्यों, मतलब इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन में तभी जाएंगे जब पहले हम लोग बिगिनिंग को सीख लेंगे, तो इसके अंदर हम लोग डाल नहीं सकते, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों को दूसरा कोई कंप्रेशर डालना पड़ेगा जिसके अंदर पर्टिकुलरली इसका स्नेयर का ऑप्शन है, तो हम लोग इसमें चला जाते हैं ये शेकर के अंदर, इसको नहीं लगा के हम लोग एच कॉम लगा देते हैं, HCOMP एच कॉम लगा देते हैं, एच कॉम का मोनो लगाते हैं,
और इसके अंदर स्नेयर है कि नहीं है, ये पहला हम लोगों को स्नेयर नहीं है एक्चुअली, शेकर शेकर है कि नहीं है ये थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, नहीं तो परकशन टाइप का कुछ साउंड होना चाहिए जिसका कंप्रेशर का सॉरी कंप्रेशर काम करेंगे उस शेकर के लिए, तो ये नहीं है इसके अंदर भी नहीं है, ये नहीं हम लोग यूज़ कर सकते। अगर हम लोग दूसरा कंप्रेशर देखेंगे एमेक का नहीं है, आरकॉम, आरकॉम देखते हैं आरकॉम का अंदर शेकर है कि नहीं है, मतलब हाई हेट टाइप का कोई होना चाहिए शेकर टाइप, हाँ जो शेकर का साउंड है उस टाइप का होना चाहिए, अगर नहीं है तो इसके अंदर नहीं है, नहीं है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके अंदर जो डालेंगे इसका डिफॉल्ट कंप्रेशर डाल देंगे, चलिए डिफॉल्ट जो कंप्रेशर है मतलब स्टॉक प्लगइन का जो कंप्रेशर है उसको डाल देंगे, और ड्रम का ये हो गया जैसे कि ये ओवरहेड का अंदर ओवरहेड हो गया, स्नेयर ड्रम के लिए ये है कि नहीं है पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा, स्नेयर ड्रम के लिए शायद इसके अंदर नहीं है तो हम लोग इसका वेव्स का ले लेंगे। कंप्रेशर कंप्रेशर हम लोग जो दिया था लाइक ये वाला वेव्स का एक कंप्रेशर दिया था, मल्टीबैंड कंप्रेसर ये नहीं है, न्यूट्रॉन नहीं है, आरकॉम नहीं है, एसएसएल नेटिव बस कंप्रेशर ये वाला दिया था शायद, नहीं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, दूसरा वाला देखते हैं। अच्छा वेव्स का था, अच्छा एक मिनट, कंप्रेशर वेव्स का कोई जैसे ओ सॉरी सॉरी सीएलए था, सीएलए 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 76 इसको ले लेते हैं, इसके अंदर शायद मिल जाएगा हम लोगों को स्नेयर का मिल जाएगा, स्नेयर मिल गया है, इसको स्नेयर को सेट कर दिया। अभी देखिए इसके अंदर जो था स्नेयर आप, इसके अंदर भी स्नेयर नहीं है तो वो सेम टाइप का कंप्रेशर इसके अंदर भी हम लोग डाल देंगे, क्योंकि स्नेयर ड्रम के लिए एकदम बाय डिफॉल्ट मतलब बिगिनिंग के लिए जो हम दिखा रहा है पर्टिकुलरली बिगिनिंग के लिए यही सबसे अच्छा होगा, मतलब चालू करने के लिए यही सबसे अच्छा होगा, उसके बाद हम लोग दूसरा कुछ लगाएंगे, इसका जो अलग अलग टाइप का जो कंप्रेशर होता है उस टाइप का कुछ लगाएंगे। तो CLA-2A CLA-76 CLA-76 लगा देते हैं और इसका हम लोग करेंगे ए वी स्नेयर का ही करेंगे स्नेयर। चलिए अभी कंप्लीट ड्रम को सुनेंगे और इसका साथ बेस गिटार को जैसे कि किक का साथ बेस गिटार को हम लोग मैचिंग करवाएंगे, तो हम लोग ड्राम को सोलो करते हैं, ओनली ड्राम को सोलो करते हैं, इसको म्यूट कर देते हैं जैसे कि ये बस नहीं लगेगा अभी, बस कोई भी नहीं लगेगा, ओनली ड्राम हम लोग सुनेंगे, तो चलिए सुनते हैं। चलिए मिक्सर से देखते हैं किक का लेवल थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा सा शेकर ज्यादा है, ओवरहेड भी कम होना चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग बैलेंस करेंगे जैसे कि ये वाला चलेगा, एक जगह से हम लोग इसको लूप में डाल देते हैं, ठीक है ये जगह पर, तो अभी हम लोग मिक्सर में चला जाता है, अभी इसका ई बटन पर क्लिक करेंगे, SSL जो है जो था वो ही दिया है, इसका थोड़ा रेशी अटैक को थोड़ा सा कम कर देता है मतलब टाइट कर देता है,
अभी देखिए शेकर में चला जाता है, शेकर नहीं है, स्नेयर में चला जाता है, ज्यादा हो रहा उसके बाद ड्रम में चला गया CLF-76 मोनो। शेकर को थोड़ा सा देख लेते हैं लास्ट। थोड़ा सा रिलीज और थोड़ा सा ये बढ़ाया है क्वालिटी ले आने के लिए, अभी इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। ठीक है, इस जगह पर रखते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका साथ साइड चेनिंग करेंगे। तो किक का साथ बास गिटार का साइड चेनिंग करेंगे, तो बास गिटार हम लोग इधर इसका लगाएंगे बास गिटार। तो नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, ये जो किक के अंदर जो हम लोग पर्टिकुलरली SSLG जो लिया है, तो SSLG के अंदर साइड चेनिंग प्रोसेस में हम लोग जाएंगे। तो इसमें जाएंगे, साइड चेनिंग को ऑन करेंगे। साइड चेनिंग ऑन करने के लिए पर्टिकुलर ये बटन को ऑन करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग इसको क्लिक करेंगे और उसके साथ ऐड साइड चेनिंग करेंगे। हम लोग बास वन को करेंगे और बास वन को पर्टिकुलरली ई बटन को क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली बास के अंदर किक चला गया। अभी इसका साथ कैसा लग रहा है बास, तो वो थोड़ा एक बार देखेंगे। ऐसा चल रहा है, देखिए एक बैलेंस में चल रहा है, ठीक है, विदाउट साइड चेन और विद साइड चेन। अभी सेकंड बेस गिटार चालू होगा,
देखिए गिग का जो लेवल और बास गिटार का लेवल ऑलमोस्ट मैच कर गया है। और इस इधर देखिए दो तीन जगह हम लोगों को देख के चलना पड़ेगा, जैसे कि ये भी इंटीग्रेटर हम लोगों को देखना पड़ेगा, इसका साथ साथ इसका लेवल भी देखना पड़ेगा, इसका साथ साथ जो बास गिटार का हम लोग साइड चेनिंग किए हैं। तो नॉर्मली साइड चेनिंग प्रोसेस थोड़ा किस लिए करते हैं, थोड़ा हम शॉर्ट में समझा देते हैं। नॉर्मली बेस गिटार और किक, ठीक है, कोई भी एक तो ताल में बज रहा है, जैसे कि ढिक टू थ्री फोर, ढिक टू थ्री फोर, मतलब हर जगह पर किक वन में पड़ रहा है, इसमें पड़ रहा है, ठीक है। तो इसमें जब पड़ रहा है, इसमें बास गिटार भी पड़ रहा है, डिंग 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 ऐसा करके पड़ रहा है, चार बास गिटार पड़ रहा है। तो चार का अंदर ये तो एक नंबर तो कॉमन हो जा रहा है, मतलब नंबर वन जो बीट हो रहा है उसमें किक भी पड़ रहा है, उसमें बास गिटार भी पड़ रहा है, तो दो ही पड़ रहा है। तो दो के अंदर पर्टिकुलरली ये जो ऑडियो वर्क स्टेशन जो है, किसको अच्छा करके सुनाए और किसको थोड़ा सा चाप दे, तो इसके लिए हम लोग साइड चेनिंग करते हैं। नॉर्मली यदि अगर अगर हम लोग साइड चेनिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, बेसिकली साइड चेनिंग नहीं करेंगे तो एक साथ दोनों बजेगा और साउंड फटने लग जाएगा, ठीक है, ये भी बजेगा और ये भी बजेगा, साउंड फट जाएगा। तो इसीलिए जिसका प्रेफरेंस ज़्यादा रहेगा, ये डायनेमिक प्रोसेस है, ये कोई स्टैटिक प्रोसेस नहीं है, जिसका लेवल और जिसका वैल्यू जैसे कि ज़्यादातर होगा तो उसको प्रेफरेंस ज़्यादा देगा, और बाकी जो जिसका साथ ये पर्टिकुलरली वही एक ही जगह पर जो पड़ रहा है उसको थोड़ा सा कम कर देगा। तो ऐसा चलता रहेगा पूरा होल सॉन्ग में, ऐसा चलता रहेगा। तो साइड चेनिंग करने का मतलब करना बहुत ही ज़रूरी है, और साइड चेनिंग नहीं करोगे तो क्या होगा, साउंड फट जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एक ही जगह पर बेस गिटार और किक का ढिक मतलब बेस ड्रम भी पड़ रहा है। तो बेस ड्रम और बास गिटार का एक ही जगह जो पड़ रहा है उसमें डिसीजन मेकर कोई नहीं है, किसका साउंड अच्छा रखे और किसका साउंड थोड़ा सा लाउडनेस को कम करे, तो साइड चेनिंग प्रोसेस उसके लिए ही काम करता है। तो साइड चेनिंग करने का बाद भी ये भी देखना पड़ता है, थ्रेशोल्ड लेवल, मेकअप, अटैक, रिलीज रेशियो और ट्रिम तो अलग है, रेट्स भी अलग है, क्योंकि ट्रिम दूसरे जगह पर है नहीं, तो ये ट्रिम का मतलब है थोड़ा सा ट्रिम करके हम लोग इसको लेवल को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये साइड चेनिंग प्रोसेस ओनली ड्राम के लिए और उसके साथ बेस गिटार के लिए। देखिए किक भी पड़ रहा है बहुत अच्छा से, उसका साथ साथ हम थोड़ा सा 1 मिलीसेकंड अटैक किया तो हल्का सा बढ़ा देते हैं इसको, एक बार अगर पूरा बढ़ा थोड़ा चेंज हो जा रहा है, टाइट चल रहा है, एक्चुअली किक थोड़ा टाइट होना चाहिए। अभी हम लोग छोड़ेंगे इसका साथ, गिटार को छोड़ेंगे, ठीक है। तो गिटार में हम लोग कंप्रेशर डालेंगे, तो किस टाइप का कंप्रेशर करेंगे, तो ई बटन को प्रेस करेंगे तो ऐसा टाइप का कंप्रेशर लगाएंगे जिसमें गिटार अच्छा काम करते हैं। तो हम थोड़ा सा एक लगाते हैं, ये भी एक्चुअली कंप्रेशन नहीं है, एक्चुअली सैचुरेशन है। तो कंप्रेशर एक मिनट, हम SSR कंप्रेशर कोई हम लोग ये भी सर्च कर सकते हैं, जैसे कि GUIT गिटार कंप्रेशर, ये तो दूसरा हो गया कंप्रेसर, SSL कॉम हम लोग देख लेंगे गिटार का है कि नहीं है, पहले ये हम लोगों को देखना पड़ेगा, शायद इसके अंदर गिटार होगा, इसके अंदर देख लेते हैं पंच और इसका पंपिंग निपटाना, अच्छा इसमें गिटार है नहीं, शायद नहीं गिटार नहीं है इसके अंदर, तो चलिए दूसरा देखते हैं, इसका दूसरा SSL कॉम स्टूडियो ये भी देख लेते हैं इसके अंदर है कि नहीं है, AG मास्टर बस सेम ही है इसका, स्टूडियो है वो मोनो है, इसका थोड़ा सा हम लोग स्मार्ट कॉम टूल लगाते हैं, देखते हैं क्या है ये, तो इसके अंदर गिटार है कि नहीं है पहले देख लेते हैं, इसके अंदर यूनिवर्सल है, इसके अंदर हम लोग देख लेंगे, वोकल है, सिंथ है, बास है, लीड है, मगर गिटार बोल के अलग से कोई है नहीं, क्योंकि गिटार बोल के नहीं होगा तो ये हम लोग नहीं यूज़ करेंगे। अभी गिटार का कंप्रेशर जो है, जो जिसके बारे में हम लोग बेसिकली बातचीत कर रहे हैं,
तो वो अगर डायरेक्टली नहीं रहेगा तो उसके बाद हम लोग जो अलग करके जाएंगे, जैसे कि थर्ड पार्टी या कंप्रेशर लेंगे जिसके अंदर मेनू गीटर नहीं है, मगर गिटार का मफिक हम लोग करेंगे, वो थोड़ा एडवांस पार्ट हो गया। अभी हम नॉर्मली नॉर्मल देख रहे हैं। तो अगर नहीं रहेगा तो हम लोगों को यही देना पड़ेगा। अच्छा, रॉयल कंप्रेसर, ये भी एक बार देख लेते हैं क्या है इसके अंदर, क्या है इसके अंदर, कोई प्रीसेट है ही नहीं। इसके अंदर गिटार 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 नहीं नहीं है, इसके अंदर भी गिटार, ठीक है। चलिए हम लोग थोड़ा सा इसके अंदर कंप्रेशर, नॉर्मल कंप्रेशर डाल देते हैं, ठीक है। आवाज़ किधर से आ रहा है? अच्छा ठीक है, कंप्रेशर, तो चलिए कंप्रेशर इसको डालते हैं। अभी इसको हम लोग -15 करते हैं और इसका मिक्स जस्ट लेवल को 50% कर देते हैं, 50% कर देते हैं। अभी चलिए चल रहा था। देखिए सब इफेक्ट छोड़ के हम लोग सुनेंगे, सब इफेक्ट दे के हम लोग सुनेंगे, तो चलिए चलते हैं। ये चल रहा विदाउट इफेक्ट, अब विद इफेक्ट, ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस सोचना है, ये डिफरेंस बार बार करके देखना है, बार बार सोचना है, जैसे कि कोई डिफरेंस आ रहा है क्या, नहीं कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, ऐसा टाइप का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये डिफरेंस करके जब हम लोग देखेंगे तब अब हम लोगों को मालूम पड़ जाएगा हाँ कुछ डिफरेंस तो हो रहा है। आप लोगों को भी बोलना पड़ेगा जैसे कि डिफरेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बेसिकली ये गिटार अगर हम लोग इसको म्यूट कर देते हैं, जैसे कि ये पूरा सेक्शन को ओनली गिटार को सुनाता है, ओनली गिटार, अभी बंद करते हैं। हाँ फर्क तो हो रही, हो ही रहा है, ब्राइट हो रहा है, बहुत अच्छा ब्राइट हो रहा है, ठीक है, मतलब फर्क हो रहा है, मगर आप लोगों को सुन कर देखना पड़ेगा। अभी चलाते हैं पूरा सेक्शन को चलाते हैं, जैसे कि ड्रम सेक्शन इसको चलाते हैं, बेस सेक्शन, चलाते हैं फिर से। ग्रेट, अगर हम लोग चाहें तो पर्टिकुलरली ये दोनों गिटार के अंदर हम लोग
जैसे कि जो जगह पर रिदिम चल रहा है, तो रिदिम ग्रीटर जो जगह पर चल रहा है, हम लोग इसको भी चेंज करके, जैसे कि ये वाला जो इस जगह पर जो कंप्रेसर लगाया है, तो हम लोग गिटार के लिए रिदिम गिटार भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिदिम गिटार में इसको भी एक बार सुनकर देख लेते हैं क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। कंप्रेसर ऑन नहीं हुआ है। चेंज हो रहा है। अभी ये दोनों का साथ दोनों को कंपेयर कर देंगे। जैसे कि इसमें कंप्रेसर लेने का जरूरत नहीं है, हम लोग क्या करेंगे ना, ये गिटार एकोस्टिक गिटार जो है इसका साथ हम लोग साइड चेनिंग कर देंगे। तो इसमें जो हम लोग कंप्रेसर लिए है, इसको इधर जाके हम लोग इसको ऑन करेंगे, इसको लेवल एडजस्ट करके ऐड साइड चेनिंग करेंगे, गिटार टू को ले लेंगे जो इधर दिया हुआ है, जैसे किस कौन सा नेम में, एकोस्टिक गिटार टू, एकोस्टिक गिटार टू ये वाला, इसको हम लोग चलाएंगे। तो इसको देखते हैं, अभी इसमें इधर से चलाते हैं, सेकंड गिटार जब ऑन हो रहा है तब हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है। ये बहुत अच्छा, पूरा समझ में आ रहा है। चलाते हैं सबको एक साथ, इसका ड्रम को भी चलाते हैं। इलेक्ट्रिक पियानो ईपी हम लोग लिख सकते हैं, ईपी ईपी हम लोग ईपी के लिए क्या लगाएंगे, थोड़ा सा हम लोग इक्यू इक्यू नहीं है इसको, कंप्रेसर डायनेमिक फ्रेज, अच्छा ठीक है हम लोग इसको ये कर देते हैं एच कॉम्प। कुछ चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम लोग इसको ऑफ ऑन करके देखेंगे। जैसे कि ये जगह पर ख़त्म हो गया है, ये जगह पर चल रहा है, एक जगह पर लिया है, इसको साइड चेनिंग कर देंगे दूसरा का साथ, इसका साथ साइड चेनिंग को ऑन कर देंगे, ऐड कर देंगे इसका ईपी, उसका नेम दिया है ओनली ईपी बोल के दिया है, ओनली ईपी बोल के दिया है ईपी नेम, पहले तो इलेक्ट्रिक पियानो है और ये वायलिन पास लीड वॉक्स ये वाला, ठीक है इसको भी, इस दोनों में सिग्नल आ रहा है, ठीक है अभी इसमें चलाते हैं। ऑफ करते हैं, ये था ये हुआ है, अभी सभी का साथ सुनते हैं। कौन से जगह पर आए हैं हम लोग, ये भी ख्याल रखना पड़ेगा हम लोगों को। अभी एक गिटार पूरा सबको ऑफ करके सुनेंगे, चेंजेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये भी थोड़ा सा हम लोग कमेंट करके बोलना, क्योंकि ये
ये भी जानना जरूरी है। ये हम ऑफ कर देते हैं, जैसे कि इस जगह पर है, इस जगह पर है, इन साइड में जितना सारा इन साइड में सब जगह पर है, तो अगर हम इसको बाईपास करेंगे था। देखिए ये बंद करके हो रहा है -17.9, चालू करके हो रहा है -18, मतलब बैलेंस में अगर क्या करना है, बेसिकली जो साइड चेनिंग हम लोग किए हैं ना उसको लेवल एडजस्ट करना है। जब वो बज रहा है तब ये बंद हो रहा है, जब ये बज रहा है वो बंद हो रहा है। अब इसको ऑन करते हैं, साइड चेनिंग काम कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों की सुनकर देखिएगा, अभी ये जो वायलिन का जो जगह है, ये तो लीड वाला वायलिन है, तो ये लीड वाला वायलिन में हम लोग जब चलाएंगे इसको, वायलिन ग्रुप जब चलाएंगे तो अच्छा लगेगा। इसका इसका इसको सोलो नहीं, इसको सोलो उठा देते हैं, चलाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा, बहुत ही अच्छा लग रहा। तो देखिए जो हम लोग किया है पर्टिकुलरली कंप्रेशर किया है, उससे पहले जो होगा ईक्यू होगा, उससे पहले जो होगा नॉइज गेट होगा, उससे पहले जो होगा अगर करना चाहिए तो पिच करेक्शन का हम लोग कर लेंगे, नहीं तो नॉइज गेट का बाद भी हम लोग पिच करेक्शन कर सकते हैं, मतलब दो जगह पर हो सकता है, मगर ईक्यू कंप्रेसर का पहले देना पड़ेगा। एच एन में पहले ईक्यू आएगा, उसके बाद कंप्रेसर आएगा, उसके बाद जो जो हम बोला है उसका जाएंगे। तो
आज जो हम लोग पार्ट कंप्लीट किया है कंप्रेसर विथ साइड चेनिंग, ठीक है, कंप्रेसर विथ साइड चेनिंग हम लोग किया है, जिसमें जो दो 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 ट्रैक में, जैसे कि दो ढोलक बज रहा है, चार ढोलक बज रहा है, 10 ढोलक बज रहा है एक साथ, तो उसका जिस टाइम में, मतलब उसका जो लेवल मैच, कंप्रेसर एक लेवल मैचिंग भी करता है बहुत अच्छा तरीके से करता है। जैसे कि जो जगह पर जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है, तो बाकी पीक कैलकुलेशन करके जो जितना सारा अलग से बजा है उसको लेवल थोड़ा सा नीचे कर देगा। ये है साइड चेनिंग का एक प्रोसेस। साइड चेनिंग का हमारे चैनल में लगभग 10 वीडियो तो होगा ही होगा, मिनिमम 10 वीडियो होगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि हम इतना सारा साइड चेनिंग के ऊपर दिए हैं। जो लोग और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा सर्च करके, जैसे कि हमारा चैनल खोल कर साइड चेनिंग बोल कर सर्च करो, मिल जाएगा। तो आज जितना दूर तक हम लोग किए हैं, आज का डेट जब हम बना रहे हैं, हमारा रिकॉर्ड से थोड़ा सा नॉइज आ रहा है, हम जो बना रहे हैं आज आज का डेट का हिसाब से, जिस टाइम में हम बना रहे हैं इसको सेव करके रखते हैं, सेव एज कर देते हैं, पर्टिकुलरली जो डेट था इसको थोड़ा सा चेंज करके हम 22 कर देते हैं, 22 तारीख को इसको बनाया है, तो इसका बाद का काम करेंगे, क्योंकि और हम लोग कंप्रेसर के बारे में कुछ देखेंगे नहीं, बाद में देखेंगे, जब फाइनल काम करेंगे मिक्सिंग के बाद, जब मास्टरिंग का फाइनल काम करेंगे तब उस टाइम में हम लोग देखेंगे, मगर इस टाइम में नहीं देखेंगे। जो लेवल मैच करना चाहिए था, जो साइड चेनिंग करना चाहिए था, ऑलमोस्ट कंप्लीट है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, और जितना आगे हम लोग बढ़ेंगे उतना क्रिटिकल होता जाएगा, उतना क्रिटिकली होता जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, क्योंकि जो लोग देख रहे हो मन मन से देख रहे हैं, और जो लोग हमको कमेंट कर रहे हैं उसके लिए हम बहुत खुश हैं, और सभी के लिए मतलब हमारा तरफ से बहुत बड़ा एक थैंक यू, क्योंकि आप लोग देख रहे हो, बहुत सारे लोग देखता नहीं है फिर भी देख रहा है, इसका हिसाब से हमको बहुत अच्छा लग रहा है। आप थोड़ा शेयर भी करो, और अच्छा लगे तो थोड़ा कमेंट करो, क्योंकि हमको समझ में होना चाहिए। जैसे कि आप लोग ओनली ये ट्यूटोरियल अच्छा है ये बोलने से होगा नहीं, किस लिए अच्छा है वो भी कमेंट जानना चाहिए, क्योंकि बाद में अगर कोई गलती हो जाएगा तो बाद में उसको ठीक कर सकते हैं हम। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लंबा हो जा रहा है, बेसिकली वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, बीच बीच में बहुत सारा क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है मगर हम दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये मास्टरिंग मिक्सिंग का पार्ट हम लोग कंप्लीट करके जो जो रिक्वायरमेंट जिसका जो है वो उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, क्योंकि एक सीरीज़ चल रहा है, तो ये सीरीज़ में अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो जो लोग इस सीरीज़ को देख रहे हो वो लोगों का ध्यान दूसरा जगह पर चला जाएगा, तो इसीलिए हम दूसरा वीडियो नहीं दे रहे। तो थैंक यू दोस्तों, कल फिर से बातचीत होगा, और देख लेना कैसा लग रहा है, इसका कमेंट भी करना जरूर। थैंक यू। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए साउंड नॉलेज को और करे अपने म्यूजिक कॉम्पोजिशन का सपना साकार। डाउनलोड दी ऐप नाउ।